दोस्तों मैं शहबाज आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इलेक्ट्रिक पॉइंट में। फ्रेंड आज आप देखें, आज मेरे पास ये पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर है और मैं आज आपको इस वीडियो में इसके एलवीडीएस कनेक्टर को किस तरीके से चेंज किया जाता है वो आज मैं आपको सिखाऊंगा। फ्रेंड जो हमने पहले पोर्टेबल डीवीडी प्लेयर के ऊपर वीडियो बना रखी हैं उन सभी के लिंक आप नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। उनके ऊपर यह कमेंट आ रहे थे कि इसके एलवीडीएस के कनेक्टर को किस तरीके से चेंज किया जाता है, क्योंकि काफ़ी पेचीदा सा होता है और डायरेक्ट आप उसको चेंज नहीं कर सकते, या तो आपको सीखना पड़ेगा या कोई वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इस बार मैं यही वीडियो लेकर आया हूँ और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि इसके एलवीडीएस के कनेक्टर को किस तरीके से चेंज किया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। फ्रेंड इसमें काफ़ी सारे जो यूज़र हैं, हमारे व्यूअर हैं, वो सब प्रॉब्लम फेस कर रहे थे कि इसके कनेक्टर को किस तरीके से बदला जाए और चेंज किस तरीके से किया जाए। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसी के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए और आप सभी को सिखाया जाए कि किस तरीके से इसके कनेक्टर को LVDS कनेक्टर को चेंज किया जाए। तो फ्रेंड इस चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और फ्रेंड वीडियो को पूरा देखें, तभी आप अच्छी तरीके से इसमें जो बारीकी है जिससे आपको कोई भी परेशानी ना हो और आपका सेट जब आप इसको बदल दें सही तरीके से वर्क कर जाए, तो आपको वीडियो देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वीडियो फ्रेंड पूरा देखें। देखिए फ्रेंड, सबसे पहले तो इसको ओपन कर लेंगे, इसके जितने भी पेच लगे हुए हैं सब ओपन कर लेंगे। फ्रेंड ये देखिए, ये इसका LVDS का कनेक्टर है, आप देख सकते हैं। ये देखिए LVDS का कनेक्टर यहाँ से इस गोले से के अंदर से ऊपर जा रहा है और फिर इसकी LCD डिस्प्ले तक जा रहा है। तो हमें इसको चेंज करना होता है, अधिकतर चांसेस में यही ख़राब होता है। तो फ्रेंड इसको चेंज किस तरह कराया जाता है वो मैं आपको बताऊँ। देख सबसे पहले फ्रेंड ये एक कनेक्टर ये लगा हुआ है और एक ये लगा हुआ है, तो सबसे पहले तो आप इनको हटा लें, ये हमने हटा लिया। इसके बाद हम इसको ओपन कर लेंगे। यहाँ पर देखिए साइड में स्विच लगे हुए हैं, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और इसको यहाँ से हम निकाल लेंगे। ये फ्रेंड हमने निकाल लिया। देखिए फ्रेंड, अब इसमें जितने पेच लगे हुए हैं वो इसके हम खोल लेंगे, इसके पेचों को खोल लेंगे। फ्रेंड देखें आप कि हमने इसके सारे पेंच जो यहाँ पर लगे हुए थे उनको ओपन कर लिया है। अभी इसके ऊपर के कवर को हम हटा देंगे, फिर इसके LCD हमारे सामने आ जाएगी। इसके लिए आप किसी नुकीली चीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं और साइड से इसको ओपन करने की कोशिश करें। ये देखिए, फ्रेंड देखिए हमने इसको ओपन कर लिया है। तो फ्रेंड ये वाला कनेक्टर देखें, ये तो इस कार्ड से इसके LCD पैनल के अंदर जा रहा है। और फ्रेंड ये देखिए, ये वो कनेक्टर है जो हमारे मेन बोर्ड से यहाँ पर आ रहा है। देखिए फ्रेंड इसके अंदर देखिए लॉक लगे हुए हैं, लॉक को हटाएंगे और फिर उसके बाद इसको यहाँ से ओपन कर लेंगे। फ्रेंड ये यहाँ पर स्पीकर लगे हुए हैं, देखिए ये इसके मॉनिटर जो होती है, जो LCD होती है वहाँ पर इसके स्पीकर लगे हुए हैं। फ्रेंड देखिए अभी इसको यहाँ से हम हटा लेंगे, इसके लॉक को आप देख सकते हैं। Thank you.
रही है। फ्रेंड ये देखिए फ्रेंड, आपने देखा कि कितनी मेहनत से और कितनी मशक्क़त से ये चीज़, इसका जो बेल्ट है, पट्टा है, ये बाहर निकला है। तो फ्रेंड आप देखिए, पहले ये सब लगेगा इसके अंदर। अब फ्रेंड मैं आपको इसके अंदर दिखाऊंगा कि नया पट्टा इसके अंदर किस तरह जल लगाया जाए, और फिर हम इसे दोबारा इसको ऐसे ही फिट कर देंगे। फ्रेंड देखिए, हमारे पास ये वाला पट्टा लगा हुआ है, और हमारे पास ये सारे इसके देखिए पट्टे अवेलेबल हैं। फ्रेंड देखिए, इन सब के साइज़ अलग अलग हैं। ये देखिए फ्रेंड, ये सारे इसके अंदर पट्टे हैं, सारे अलग अलग साइज़ के, सेम साइज़ के हैं सारे हैं। और फिर इसके अंदर ये सब सेम साइज़ के हैं, इसके अंदर सेम साइज़ के हैं। तो जब भी आप मार्केट से पट्टा लेके लेने के लिए जाएंगे, तो आपको देखना पड़ेगा कि इस पट्टे के अंदर पिन कितनी है। ये देखिए, जितनी इसके अंदर पिन होगी ना, उतना ही साइज़ होगा इसका। कोई ये पट्टा चौड़ा होगा, इससे ज़्यादा होगा, कोई कम होगा। तो इस हिसाब से इस पट्टे को ख़रीदा जाता है मार्केट से। तो देखिए फ्रेंड, अब इसमें हम चेक करके देखते हैं, जितने भी पट्टे हमारे पास रखे हैं, इन सब में चेक करके देखते हैं। फ्रेंड ये देखिए, जो हमारा पट्टा है, इसको हमें इसके अंदर से देना है। तो इसको इसके अंदर से किस तरीके से देंगे, वो तरीका आप सीख लीजिए। देखिए हम इसको किस तरीके से मोड़ रहे हैं। इसको यहाँ से देखो, आपको ट्विस्ट करना है ऐसे। ऐसे ट्विस्ट करके, और फिर एक आगे 32 ही बना लेनी है ऐसे ऐसे। और फिर हम इसको इसके अंदर से आर पार कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड, बस इसके अंदर यही कलाकारी है। फिर इसको बाहर निकाल लेंगे और ये इसके अंदर आ जाएगा। फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, क्योंकि इस तरीके की वीडियो आपको यूट्यूब पर और कहीं नहीं मिलेगी। किसी ने भी इतनी बारीकी से इस पट्टे को बदलना नहीं सिखा रखा है। फ्रेंड हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए लेकर आए हैं। तो फ्रेंड वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपको कोई और समस्या आ रही है तो नीचे वीडियो पर कमेंट कर दें, हम जल्द से जल्द उसका जवाब देंगे।